दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आयतन पर आधारित प्रश्न देखेंगे जो कि परसेंटेज चैप्टर से हमने लिए हैं। दोस्तों, आपको बता दें, हम एसडी यादव बुक से ये प्रश्न जो है सॉल्व कर रहे हैं। यदि आपके पास एसडी यादव की बुक नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का जो हमारा टाइप है वो दोस्तों इस प्रकार से है, आयतन पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों, आज का जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 46, ये एसडी यादव की बुक का क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहा है, यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे करेंगे, जैसे आपको 50% की फ्रैक्शन वैल्यू जो है मालूम होनी चाहिए। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी आपकी, 1/2। कितनी होगी, 1/2। अब ये 2 क्या है, 2 यूनिट आपकी ये त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या, यानी 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, तो ये 2 क्या है आपकी त्रिज्या। के क्वेश्चन में बोला है त्रिज्या में 50% की वृद्धि। अभी 1 क्या है, अगर त्रिज्या आपकी 2 यूनिट है तो जिसमें 1 यूनिट की क्या हो गई, वृद्धि, क्या हो गई, 1 यूनिट की वृद्धि। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, त्रिज्या का रेशियो निकालेंगे। क्या, त्रिज्या का रेशियो। अगर आपकी त्रिज्या पहले 2 यूनिट थी, कितनी थी, 2 यूनिट, जिसमें 1 की वृद्धि हो गई, तो 2 और 1 3, तो बढ़ के त्रिज्या कितनी हो गई आपकी, 3। पहले त्रिज्या आपकी 2 यूनिट थी जिसमें 1 की वृद्धि हो गई, तो कितनी हो गई, 3। तो हमने यहाँ से क्या किया, त्रिज्या का रेशियो निकाल लिया। क्वेश्चन में बोला है उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, यानी कि वॉल्यूम आयतन निकालना है, किसका, गोलक, यानी कि गोले का। तो आपको बता दें दोस्तों, गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 πr³। 4/3 πr³। अब दोस्तों क्या करेंगे आप, यहाँ से जब त्रिज्या आपकी 2 यूनिट है तब आयतन निकालेंगे, और जब त्रिज्या आपकी 3 यूनिट है तब आयतन निकालेंगे। तो आयतन का फार्मूला होता है 4/3 πr³। लेकिन ये 4/3 π को आपको यूज नहीं करना है, ये तो कॉमन रहेगा, इसलिए इसको हम यहीं छोड़ देंगे। तो बचेगा क्या आपका, r³। तो r³ मतलब 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। और यहाँ से 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। तो यहाँ से आपके आयतन का रेशियो निकला है 8:27। यानी कि जब आपकी त्रिज्या 2 यूनिट थी तो आयतन कितना है, 8, और जब आपकी त्रिज्या 3 यूनिट थी आयतन कितना है, 27। तो आप यहाँ से देखेंगे, अगर पहले आयतन 8 यूनिट था तो बढ़ के कितना हो गया, 27। तो कितने की वृद्धि हुई, तो आप क्या करेंगे, 27 में से 8 घटाएंगे तो ये आपका कितना बढ़ गया, तो आप देखेंगे 19 और 8 27, यानी कि 19 बढ़ गया। कितना बढ़ गया दोस्तों, 19, यानी कि 8 से 27 हो गया, तो कितने की वृद्धि होगी, 19 की। तो आप कहेंगे, सर ये 19 की जो वृद्धि हुई है ये किस में हुई है, 8 में, यानी 8 से बढ़ के हो गया 19, तो बटे 8, यानी बटे में आपको 8 लेना है, इंटू 100। 100 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। तो जब आप इसे सिंपलीफाई करेंगे तो ये 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, यानी कि 4 से 100 25 बार कट जाएगा, और 4 × 2 = 8, तो 25 और 19 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 25। नंबर होते हैं आपके 225, कितने होते हैं, 225। 22 आपके हासिल हो गए, तो 25 × 25, 25 और 22 ये हो जाएंगे आपके 47, कितने, 47, यानी 475 बटे 2। जब 2 से भाग लाएंगे तो 2 × 2 = 4, 7 में लाएंगे, 2 × 3 = 6, 1 बचेगा, 15 हो गए, 2 × 7 = 14, फिर दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 2 × 5 = 10, तो फाइनली जो आंसर आएगा आपका 237.5 आएगा। कितना, 237.5, जो कि आपका डी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा। नंबर 47, इसमें आपसे कहा है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को
10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा। तो इसको भी आप कैसे करेंगे, सबसे पहले 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो आप जानते हैं 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10, कितनी 1/10। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, घन की प्रत्येक भुजा, यानी कि आप क्या करेंगे, साइड का रेशियो निकाल लेंगे, भुजा का रेशियो। अगर पहले भुजा कितनी थी, अगर पहले आपकी भुजा 10 यूनिट थी, कितनी 10, जिसमें एक क्या हो गई आपकी, एक यूनिट बढ़ गई, तो 10 रेशियो कितना हो जाएगा, ये 11, कितना 10:11। अगर भुजा आपकी पहले 10 यूनिट थी जिसमें एक की क्या हो गई बढ़ोतरी, तो 10 और 1 11, तो ये आपकी साइड का रेशियो निकाला है 10:11। अब आपसे पूछा है घन का आयतन, घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, वॉल्यूम यानी कि आयतन निकाल लेंगे। अब आपको घन का आयतन मालूम होना चाहिए, तो घन का आयतन होता है दोस्तों, आपको बता दें, भुजा क्यू, क्या होता है, भुजा क्यू। अगर आपको घन का आयतन नहीं मालूम है तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू। तो यहाँ से आपकी भुजा कितनी है, 10, 10 का क्यू करेंगे कितना हो जाएगा, ये 1000, कितना 1000। और बढ़ने के बाद आपकी भुजा कितनी होगी, 11 यूनिट, तो 11 का क्यू करेंगे तो आयतन कितना आएगा, 1331, कितना आएगा 1331। तो हमने क्या किया, जब भुजा हमारी 10 यूनिट थी तब हमने आयतन निकाला, और उसके बाद भुजा में बढ़ोतरी होने के बाद भुजा कितनी होगी, 11 यूनिट, तब हमने क्या किया, आयतन निकाला। अगर आयतन हमारा पहले कितना था, 1000, और 1000 से अब ये कितना हो गया बढ़ के 1331, पहले आयतन हमारा 1000 यूनिट था, अब बढ़ने के बाद कितना हो गया 1331, तो इसमें कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे सर 331 यूनिट बढ़ गया, कितना 331 यूनिट। तो ये 331 यूनिट जो बढ़ा, ये किस पे बढ़ा, 1000 पे या 1331 पे, तो आप कहेंगे सर 1000 में बढ़ा, क्योंकि 1000 से कितना हो गया 1331, तो बटे 1000 इंटू 100। अब जब आप सिंपलीफाई करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो ये आपके कट जाएंगे, तो यहाँ से बचा आपका 331। अब ये नीचे एक जीरो बचा, क्या बचा, एक, तो हम क्या करेंगे, एक अंक बाद जो है दशमलव लगा देंगे पीछे से, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 33.1%, यानी 33.1%, जो कि आपका सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 48। इसमें आपसे कहा, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आप जानते हैं 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1/2, और उसके बाद ये बोला है उसकी त्रिज्या 50% कम कर दी जाए। सपोज ये त्रिज्या आपकी कितनी है, 2 यूनिट, यानी कि आपकी त्रिज्या कितनी है, 2 यूनिट, जिसमें एक की क्या कर दी गई, कमी। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, त्रिज्या का रेशियो निकाल लेंगे, किसका, त्रिज्या का, जो कि कितना आएगा, 2:3, कितना आएगा 2:3। पहले त्रिज्या आपकी 2 यूनिट थी जिसमें एक की कमी हो गई, तो सॉरी कितनी आएगी त्रिज्या, 1 यूनिट आएगी, कितनी 1, यहाँ कम की बात बोली है, किसकी, कम की, आप ध्यान रखेंगे यहाँ माइनस करना पड़ेगा आपको। उसके बाद ऊंचाई में क्या कर रहे हैं, 50% बढ़ा दी जाए, तो ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू वही 1/2, तो ऊंचाई अगर आपकी कितनी थी पहले, 2 यूनिट, जिसमें एक की क्या, अगर एक क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई, तो ऊंचाई का रेशियो निकाल लेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, ऊंचाई का, अगर ऊंचाई आपकी 2 यूनिट थी जिसमें 1 यूनिट का क्या हो गई, बढ़ गई, तो 2 और 1 3, तो यहाँ से ऊंचाई का रेशियो निकल आया, क्या, ऊंचाई का रेशियो। अब आपको निकालना है आयतन, तो सिलेंडर कैसा होता है, बेलनाकार, तो बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच।
जब आप आयतन निकालेंगे, जब आपकी त्रिज्या 2 यूनिट है और ऊंचाई कितनी है 2, तब आप क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। उसके बाद त्रिज्या घट गई तो कितनी हो गई 1, और ऊंचाई बढ़ गई कितनी, तो ऊंचाई बढ़ने के बाद आपकी कितनी होगी 3 यूनिट, तब आप क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। तो यहाँ से पाई तो कॉमन रहेगा, इसलिए पाई को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे यहीं। तो आपको फाइनली क्या करना है, आर स्क्वायर इंटू एच, यानी कि आर स्क्वायर इंटू एच का मान निकालना है। तो यही क्या हो जाएगा आपका आयतन। तो कैसे करेंगे, जब आपकी त्रिज्या 2 है तो 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है आर स्क्वायर इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है 2, उसके बाद यहाँ रेशियो का साइन लगाएंगे। अब त्रिज्या घटने के बाद कितनी होगी आपकी 1 यूनिट, और ऊंचाई बढ़ने के बाद कितनी होगी 3 यूनिट, तो यहाँ से आयतन निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर इंटू 3। तो यहाँ से आप देखेंगे 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और ये 1 का स्क्वायर 1, और 1 की जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3। तो यहाँ से आपने देखा जो आपका वॉल्यूम आयतन का रेशियो कितना है 8:3। अगर आपका आयतन पहले कितना था 8 यूनिट और घट के कितना हो गया 3, तो कितना घट गया, तो आप कहेंगे सर 5 यूनिट घट गया। कितना घट गया 5। तो ये जो 5 घट गया, यहाँ कर लेते हैं इसको, 5 जो घटा दोस्तों ये किस में घटा, तो आप कहेंगे सर 8 में, 8 यूनिट था, घटने के बाद हो गया 3 यूनिट। तो ये जो 5 की कमी आई है ये किस में आई 8 में, तो बट्टे 8 इंटू 100, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ से जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 4 से 100 कट जाएंगे आपके 25 बार, और ये 4 दूनी 8, और 25 पंजे होते हैं आपके 125। जब आप 2 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितनी बार, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 1 बचा 10 लगाया, 2 पंजे 10, यानी कि 62.5, कितना आएगा 62.5, जो कि डी ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा। दोस्तों आपको बता दें, आपको फ्रैक्शन वैल्यू जो है मन में ही काउंट कर लेनी है। जैसे 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/2, तभी आप क्वेश्चन को जो है जल्दी कर पाएंगे। दोस्तों आज की क्लास का हमारा अंतिम और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। इसमें आपसे कहा है यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना है। तो इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं आप, जैसे बोला गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, तो आप क्या करेंगे यहाँ से त्रिज्या का रेशियो निकाल लेंगे। जैसे गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, तो हम त्रिज्या मान लेते हैं सपोज पहले 1 यूनिट थी, कितनी 1, अब जैसे त्रिज्या दुगनी करेंगे तो 1 का दुगना कितना होगा 2। दोस्तों आपको बता दें, आप जो कोई भी संख्या एज्यूम कर सकते हैं, मैंने यहाँ से यहाँ 1 संख्या मानी, आप कुछ भी मान सकते हैं 2, 4, 5, जो भी आपकी मर्जी हो, लेकिन हम जितनी छोटी संख्या मानेंगे उतनी ही कैलकुलेशन जो हमारी कम होगी, तो हम क्या करेंगे, इसलिए मैंने सबसे छोटी संख्या मानी है दोस्तों 1 यूनिट। तो 1 का दुगना करेंगे कितना हो जाएगा 2। उसके बाद बोला है तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना है, अब आप क्या करेंगे आयतन निकालेंगे यानी कि वॉल्यूम। तो बात यहाँ किसकी हो रही है, गोले की, और गोले का आयतन क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³। तो आपकी त्रिज्या पहले कितनी है 1 यूनिट, तब आपको आयतन निकालना है, उसके बाद त्रिज्या क्या हो गई आपकी दुगनी, तब आपको आयतन निकालना है। तो ये 4/3 पाई तो क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, इसलिए इसको हम यहीं छोड़ देंगे। तो फाइनली क्या बचेगा आपका r³। तो यहाँ से 1 का क्यू करेंगे तो 1 आएगा, ये आप जानते हैं, और 2 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा 8, क्योंकि हमारे पास क्या बचा r³। तो ये आपका आयतन का रेशियो निकल आया 1:8। अगर आपका आयतन पहले कितना था 1 यूनिट, पहले कितना था 1, और अब कितना हो गया 8, तो कितना बढ़ गया आपका आयतन, तो आप कहेंगे सर 7 यूनिट बढ़ गया। कितना 7 यूनिट, 1+7 कितना हो गया 8, 7 यूनिट बढ़ गया। तो दोस्तों ये जो आपका 7 यूनिट बढ़ा, ये किस में बढ़ा, तो आप कहेंगे सर 1 में बढ़ा, यानी 1 से कितना हो गया 7, तो बटे 1 इंटू 100। जब आप सिंपलीफाई करेंगे तो 100 की 7 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 700, और नीचे 1 बचा 1 की वैल्यू नहीं होती, इसे छोड़ देंगे, तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका दोस्तों 700%, जो कि बी ऑप्शन क्या होगा,
करेक्ट होगा। दोस्तों, यदि आपने हमारी क्लास को अंत तक देखा है और आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे YouTube चैनल द गंगा अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।